जगन्नाथ जय जगन्नाथ ही माँ सुभद्रांकर आपण देखिले अधर लागी हेला माँ को अधर जो हांडी रही जो तुम्बाकृति हांडी ताकू भांगी दिया गला एवं ये भांगी दवा परे से रथरु से अधर हांडी रो जो रही पणा जहाँ को आम घोषक माने आलोचना करुले जे ये हूँ एक तंत्र विधि बा महाप्रभुंकर तंत्र विधि आज भी ओडिशार विभिन्न पड़िया रही जेऊ पड़िया एवं जेऊ पड़िया रे अनुष्ठित होतवा यात्रार ना हांडी फंगा यात्रा बोली मध्ये रही एवं हांडी फंगा यात्रा ए यात्रा अनुष्ठित हुए मनीष शरीर धारण करथिबा लोक माने आसंती एवं यात्रार आकर्षण रे अनेक अशरीरी मध्ये सिति एकत्रित होवंती अशरीरी माने एकत्रित होवार कथा बा अशरीरी जगतर कथा जहाँ टिके पूर्वरु डॉक्टर अंशुमान कर महोदय कहुतिले जे दृश्यमान जगत एवं अदृश्य जगत ए दुईटी जगत निश्चित रही आमको स्वीकार करने को हम दृश्यमान जगत में आम जहाँ देखुचे आमको देखा जाऊँगी किंतु जहाँ अदृश्य भाव रही आम देखिपुना केवल ही केवल अनुभव करुचे जोबले आम कार्यालय भितर कार्य कर समय कई जन पशी आसला बेले एक सुगंध व्यापी जाए आम चिंता करे गोटे कि लगे से आसी कि महक देह लगे आतेबाद संध्या समय मल्ली किंबा सुगंधराज किंबा जो मालती फूल फुटे आम अनुमान करे जे से फूल फुटिला फूल दृश्य हो ना किंतु तार सुगंध प्रमाण करुच्ची जे दृश्य हो तार स्थिति रही उपस्थित रही महाप्रभु श्री जगन्नाथ होती चतुर्दश भुवनर परिपालक एवं ये भुवन गुड़िकरे अनेक भुवन रही जहाँ दृश्यमान जहाँ को आम आखिरे देखिपे आखि द्वारा जहाँ को देखा जाकू दृश्यमान जगत बोली कहुची किंतु या बाहर जो गोटे अदृश्य जगत रही अदृश्य जगत मध्य परिचालित हो दृश्यमान जगत को परिचालना करिवारे अदृश्य जगतर सहयोग रही से अदृश्य जगत में मुक्तिर प्रक्रिया बा मुक्तिर आकांक्षा मुक्तिर अभिलाषा रही महाप्रभु बड़ ठाकुर वर्तमान भोग लागी होची जो कि कहा अधर लागी होची ये पंचोपचार पूजा खूब कम समय भितर पांचटी उपचार करते पानी पड़ीजी से तुलसी जल सिंचन हो अधरामृत हांडी उपरे से बेल भांगी दिया दिजा